इस टाइम पर जो है इंटरनेट पर ढेर सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है और हम लोग जो है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है इंटरनेट की वेबसाइट को विजिट भी करते हैं। तो इसी वेबसाइट को विजिट करते वक्त आपने भी ये जरूर देखा होगा कि इंटरनेट पर कुछ ऐसे वेबसाइट है जिस वेबसाइट को विजिट करने के लिए जो है हमें एक वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। वो वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या रहता है, वहाँ पर जो है उस वेबसाइट को विजिट करने के लिए आपको जो है सबसे पहले ये प्रूफ देना पड़ता है कि आप रोबोट नहीं है, आप एक ह्यूमन है। इसके लिए आपके सामने एक ऑप्शन आता है आई एम नॉट ए रोबोट, उस ऑप्शन पर क्लिक करके तब भी आप जो है उस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके बाद अभी तो कैप्चा भी आ चुका है, एक कैप्चा को फिल करना पड़ता है तभी आप उस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, उस वेबसाइट का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट पर एक वेबसाइट को विजिट करने के लिए मैं रोबोट नहीं हूँ ये प्रूफ हमें क्यों देना पड़ता है, तो आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को इसी चीज़ के बारे में बताऊंगा कि इंटरनेट पर एक वेबसाइट को विजिट करने के लिए आई एम नॉट ए रोबोट जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है ये हमें क्यों कंप्लीट करना पड़ता है, इंटरनेट पर यह प्रोसेस लाने का मतलब क्या है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इंटरनेट पर जो है वेबसाइट जो रहता है वो वेबसाइट भी जो इंटरनेट के थ्रू अर्निंग करते हैं, पैसे कमाते हैं। पैसे कैसे कमाते हैं, तो इंटरनेट पर जितने भी वेबसाइट आपको मिलता है सभी वेबसाइट जो है गूगल पर होस्टिंग है, मतलब गूगल पर सर्च करने से ही सभी वेबसाइट जो है आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर वेबसाइट पर जो है ऐड आता है, आपने भी ज़रूर देखा होगा कि किसी किसी वेबसाइट पर जो है ऐड आता है। ऐसे बहुत रेयर केस है कि वेबसाइट मतलब अपने अर्निंग नहीं करते इंटरनेट पर, ऐसे बहुत ही रेयर वेबसाइट आपको मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर जो इंटरनेट की वेबसाइट है सभी वेबसाइट जो है इंटरनेट के थ्रू अर्निंग करता है। और यहाँ पर जो ऐड देने वाला जो कंपनी है वो क्या चाहेगा, अपना जो प्रोडक्ट है वो एक जेन्युइन कस्टमर के पास वो जो प्रोडक्ट है वो अपना रिच करना चाहेगा। लेकिन इंटरनेट पर जो वेबसाइट ओनर होता है वो जो है इंटरनेट का जो वेबसाइट है उससे बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाने के लिए जो है इंटरनेट की वेबसाइट पर एक ऑटोमेटेड प्रोग्राम या फिर एक स्क्रिप्ट ऐसा चला देता है जिसकी मदद से जो उस वेबसाइट पर ट्रैफिक जो है बहुत ही ज़्यादा आ जाता है एक टाइम पर। अब ये ट्रैफिक क्या होता है, तो जो इंटरनेट पर जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को कितना ऑडियंस, कितना ज़्यादा ऑडियंस कितना बार विजिट कर रहे हैं एक महीने में, एक साल में, एक वीक में, एक डे में, इसको यहाँ पर ट्रैफिक कहा जाता है। और जिस वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है उस वेबसाइट से अर्निंग भी बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका कुछ परसेंट गूगल रख लेता है एंड बाकी का जो परसेंट होता है वो वेबसाइट ऑनर को दिया जाता है। तो वेबसाइट ऑनर ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में इस तरह से जो है ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट चला देते हैं या फिर ऑटोमेटेड प्रोग्राम चला देते हैं जिसको जो है यहाँ पर रोबोट या फिर बॉट किया जाता है। यहाँ पर रोबोट मीन्स मशीन रोबोट का बात नहीं हो रहा है, एक ऑटोमेटेड प्रोग्राम का बात हो रहा है। अब इससे क्या हो रहा है कि जो बिजनेस ऑनर मतलब जो एड ऑनर है जो कि एड चला रहे हैं वेबसाइट पर, उसका तो एड उसका जो प्रोडक्ट है वो सही कस्टमर के पास रीच नहीं हो रहा है, उसका जो है बिजनेस जो है इफेक्ट इतना नहीं हो रहा है वेबसाइट पर ऐड चला के। तो इस तरह से क्या है, जो ऐड देने वाला जो कंपनी है वो और वेबसाइट पर ऐड इतना ज़्यादा नहीं दे रहे। और इसी चीज़ को देखते हुए गूगल ने ये प्रोसेस लाया है कि आई एम नॉट ए रोबोट का जो ऑप्शन है ये वेबसाइट पर दिया है। जब भी कोई ह्यूमन एक वेबसाइट को विजिट करेगा तो फिर उसे जो है आई एम नॉट ए रोबोट का जो ऑप्शन है वहाँ पर उसको टिक करना पड़ेगा, तभी वो जो वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। मतलब उसे ये प्रूफ देना पड़ेगा कि वह ह्यूमन है, वो समझ पा रहा है कि वहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट लिखा हुआ है, वो क्लिक कर रहे हैं उसको, तभी एक मतलब गूगल को ये पता चलता है कि एक ह्यूमन है। अब यहाँ पर क्या है, टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है कि आई एम नॉट ए रोबोट ये जो ऑप्शन है इसको भी बाईपास कर रहा है। तो इसके बाद गूगल ने क्या किया, कैप्चा प्रोसेस लाया है। कैप्चा प्रोसेस मीन्स यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे फोटोज़ दिया रहता है और उसी फोटोज़ में से आपको कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना पड़ता है। लाइक आपके सामने बहुत सारे फोटोज़ है, ओके, अब यहाँ पर आपको कहा जाएगा कि इस फोटोज़ में जितने भी बस से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो आपको टिक करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर जितने भी कैट है इस इमेजेस में वो सभी कैट को आपको टिक करना पड़ेगा। तो अगर आप एक ह्यूमन है तो फिर आप ये इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ऑटोमेटेड प्रोग्राम है मतलब बॉट या फिर रोबोट है तो फिर आप इस प्रोसेस को बाईपास नहीं कर सकते। आई एम नॉट ए रोबोट वाला प्रोसेस तो बाईपास हो रहा है लेकिन ये वाला प्रोसेस यहाँ पर बाईपास नहीं हो रहा है। तो गूगल ने इसीलिए आई एम नॉट ए रोबोट का जो प्रोसेस है वेरीफाइंग प्रोसेस वो लाया है वेबसाइट के लिए। अगर आप एक ह्यूमन है और आप अगर वेबसाइट को विजिट करना चाहते तो फिर आपको ये प्रोसेस वेरीफाई करना पड़ता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस करना ज़रूरी है क्योंकि जो वेबसाइट ऑनर है वो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, ऑटोमेटेड प्रोग्राम रन कर दे रहे हैं, स्क्रिप्ट रन कर दे रहे हैं,
जिस वजह से जो है ऐड कंपनी और ऐड वेबसाइट पर नहीं देना चाहते हैं और इसीलिए गूगल का भी लॉस हो रहा है, इसीलिए गूगल ने ये प्रोसेस लाया है। आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि आई एम नॉट ए रोबोट का जो वेरीफाइंग प्रोसेस है वो हमें क्यों कंप्लीट करना पड़ता है कि वेबसाइट को विजिट करने के वक्त। अगर आपको आज के वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं मैं आप सभी से दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।